क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं? और क्या आपने कभी जीरो का नोट देखा है, और वह भी भारत में? तो इन सब फैक्ट्स का आंसर जानेंगे अगले 5 मिनटों के अंदर। अब मैं आपको एक ऐसे झील के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका पानी पिंक कलर का होता है, यानी गुलाबी कलर का। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब अभी तक आपने नीले, हरे और काले पानी की झीलें देखी होंगी, एंड आई एम डैम श्योर आपने कभी गुलाबी पानी वाली झील नहीं देखी होगी। दोस्तों, इस झील का नाम है हीलियर झील, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। यह झील समुद्रों से घिरी हुई है। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, इसकी लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 250 मीटर है। पहले इस झील से नमक निकाला जाता था, लेकिन अब ये झील से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई झील देखी है? अगर देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हमारे दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। इस देश का नाम कैरेबियन है। यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति तेल मिलाकर एक लेप बनाते हैं और फिर उस लेप को धूप में सुखाकर खाते हैं। सोचिए, हम और आप कितने लकी हैं कि हमारे पास एटलीस्ट खाने के लिए अनाज है। कुछ देश इतने गरीब हैं बेचारों के पास अनाज खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? आप कहेंगे कि ये कैसा अजीब रिकॉर्ड है, लेकिन ये सच है। यह रिकॉर्ड रूस की एक महिला के नाम है। उस महिला का नाम वैश्लिया है, और वैश्ला के नाम 69 बच्चे पैदा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब आजकल किसी भी चीज का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या ये बात पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए की नोट भी छापी गई थी? अब आप लोग कहेंगे कि 0 रुपए की नोट, वो भी किस काम के लिए? तो मैं आपको बताता हूँ, ये 0 रुपए की नोट आरबीआई ने नहीं, बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे, और उन नोट्स के ऊपर लिखा था कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये 0 रुपए की नोट दो और हमें बताओ। दरअसल ये एक तरीका था भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा दिखाने का। तो आपको ये तरीका कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बड़े बड़े होटल्स में आपने बड़े बड़े किचन तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा किचन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? अगर नहीं तो जान लीजिए, अमृतसर के गोल्डन टेंपल को दुनिया के सबसे बड़े किचन का खिताब दिया गया है। यहाँ पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का खाना बनता है, और वो भी रोजाना, और यह खाना लंगर के रूप में सबको फ्री दिया जाता है। तो हमारे इस गोल्डन टेंपल में काम करने वाले भाइयों को एक सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और किसी भी जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पुराना वर्ड कौन सा है? तो दोस्तों, चलो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश का सबसे पुराना वर्ड है टाउन, TOWN। क्या ये बात आपको पता थी? तो ये फैक्ट अपने अंग्रेजी झाड़ने वाले दोस्तों से जरूर पूछिएगा, और उनसे भी शेयर करिए कि क्या ये बात उनको पता थी। आपने ओलंपिक्स तो जरूर देखा होगा कि यहाँ पर मेडल जीतने के बाद मेडल को बाइट करते हैं, यानी कि काटते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। लेकिन कभी आपने ये बात सोची कि आखिर ये मेडल्स को काटते क्यों हैं? असल में ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि यह पता कर सकें कि यह मेडल असली गोल्ड का है या नहीं। खैर, ये काफी पुरानी प्रथा थी जो आज भी चली आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये फैक्ट आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। अगर आप कुछ भी याद करते हैं और उसे तुरंत ही भूल जाते हैं, तो हम आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप कुछ भी पढ़ने या याद करने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपको याद रखने में काफी हेल्प मिलती है, यानी कि पढ़ी हुई चीजें आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सोते ही रहें और इस टेक्निक का गलत फायदा उठाएं। दोस्तों, अब मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात बताने जा रहा हूँ। इंडोनेशिया की एक ट्राइब अपने परिवार के लोगों के मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं करती, बल्कि उन्हें कई सालों तक अपने घर के सदस्य की तरह रखती है। उनके डेड बॉडी को बीमार मानती है और उनकी सेवा करती है। यहाँ तक कि जब भी उन ट्राइब्स के कोई घर आता है तो इस मरे हुए शख्स से भी उसका हाल चाल पूछा जाता है, और वहाँ पर ये प्रथा इन ट्राइब्स में आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। और ये ट्राइब इंडोनेशिया में सुलावेसी के टोराजा क्षेत्र में रहती है ना, काफी स्ट्रेंज रिवाज ये।
अब मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कार के हॉर्न की भी आवाज निकाल लेता है, यानी कि फुल हूप हू। मतलब कि ये पक्षी नकल करने में काफी माहिर है और बड़े बड़े मिमिक्री करने वाले लोगों को भी पीछे छोड़ दे। इस पक्षी का नाम है लायर बर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और शर्मीला होने की वजह से आसानी से प्रकृति में दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।